कोरोना काल में दूसरे प्रदेश से रोजी रोटी गंवा कर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू हो गई है। जहानाबाद जिला प्रशासन सरकार की इस मुहिम में जुट गया। जहानाबाद में आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत कराकर रोजगार के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जिला निबंधन परामर्श केंद्र में काउंसलिंग सेशन का उद्घाटन डीएम नवीन कुमार ने दीप जलाकर किया। डीएम नवीन कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 16,000 मजदूर वापस लौटे। डीएम ने बताया कि 12,000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है। उन्होंने बताया कि कई लोगों को स्वरोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। स्वरोजगार और रोजगार मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलाने का जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है और उसके आलोक में आज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं और उस काउंटर पे अपने इच्छा के अनुसार जो लोग जिस विधा में काम करना चाहते हैं या जिस उद्योग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या कैसे वो रोजगार पाना चाहते हैं उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे हमारे परामर्शी से और उनको उस तरह का रोजगार मुहैया कराएंगे। सर, अब तक कुल कितने प्रवासी आए हैं? सर, अब तक यहाँ पे 16,000 से ऊपर प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से जो हमारे वहाँ पे काम करने वाले जो श्रमिक थे वो करीब 12,000 हैं, जिनका हम लोगों ने 100% स्किल सर्वे करवा दिया है, मैपिंग स्किल मैपिंग करवाया है और उसमें से विभिन्न मनरेगा में या अन्य जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के हैं या अन्य जो यहाँ छोटे छोटे उद्योग हैं उसमें हम लोगों ने उनको रोजगार मुहैया कराया। जो लोग बचे हुए हैं अभी और जिनको फ़ोन यहाँ से गया था, उन लोगों ने कहा था कि हम 10 दिन बाद काम शुरू करेंगे या 15 दिन बाद काम शुरू करेंगे, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आज बुलाया, आज से ये कार्यक्रम शुरू किया है और ये पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलेगा। किस तरह के काम मिलेंगे इन लोगों को? इन लोगों को हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे स्वरोजगार के लिए भी हम लोग कह रहे हैं, जिनको अगरबत्ती फैक्ट्री लगाना है या कॉफ़ी फैक्ट्री लगाना है या उनको मोमबत्ती बनाने की इच्छा है, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, गव्य विकास या अन्य कोई भी छोटा रोजगार, बड़ा रोजगार, जूता चप्पल के रोजगार करना चाह रहे हैं या वो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी हम लोग इनको अभी काउंसलिंग करेंगे और इनकी राय जान के इनको उनके अनुसार हम लोग उनको रोजगार या व्यवसाय, जो राज्य सरकार की क्लस्टर योजना आई है जिसमें 10 व्यक्ति समूह बना के किसी भी फील्ड में अपना 10 व्यक्ति समूह बनाएंगे और उसमें राज्य सरकार सारी मशीनरी और सब कुछ उनको उपलब्ध कराएगी उनको रोजगार करने के लिए, अपना व्यवसाय खड़ा करने। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में लगी ये भीड़ उन मजदूरों की है जिनकी रोजी रोटी कोरोना वायरस ने छीन ली थी। सरकार के भरोसा दिलाने के बाद मजदूर काउंसलिंग के लिए पहुंचे। डीएम ने बताया कि मजदूर के काउंसलिंग के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जिला प्रशासन की इस कवायद से संक्रमण काल में रोजी रोटी गंवाने वाले मजदूरों को जल्द रोजगार मिलने की नई उम्मीद जगी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।